रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में जाती है. सो इसको सबसे पहले लिखो, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कैन गो इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में जा सकती हैं. इन्हीं इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन. अब दूसरा पॉइंट पर आ जाओ. दूसरा पॉइंट क्या है जरा आप चेक करो, सेकंड पॉइंट क्या है जरा आप चेक करो. इट इज डिनोटेड बाय विद द हेल्प ऑफ, यस साइन नहीं बना हुआ है, मैं बनाता हूं. ये इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, जरा आप एरो को चेक करो. रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आधा एरो बनाओगे, रिवर्स डायरेक्शन के लिए ऐसा एरो बनाओगे. मतलब फॉरवर्ड में भी जा रही है और रिवर्स में भी आ रही है, आगे भी जा रही है और पीछे भी आ रही है. सो ये रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, ये होता है रिवर्सिबल का. क्लियर हो गया? सो दिस इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत कॉमन है, सबको पता होगा. अब अपन आगे चलते हैं. अब आप चेक करो, ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन इन द सिस्टम. ये एक अलग पॉइंट है जो आप लोगों को नोट डाउन करना है. जैसे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, देखो इस पॉइंट को समझो, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में इंफिनिटी टाइम पे जब आप देखने जाओगे तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे उसके अंदर. दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ. रिवर्सिबल का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है. ऑब्वियसली आप जब एंड, बहुत एंड मतलब मान लो दो दिन, तीन दिन, चार दिन, साल बाद भी जाओगे तो उसके अंदर रिएक्टिंग टू प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे आपको. क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ प्रोडक्ट मिले? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो रिवर्सिबल है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट भी देता है. सो इन दैट केस आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट मिले और सिर्फ प्रोडक्ट मिले. क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये पॉइंट है, अपना बुद्धि लगाओगे तो कुछ भी नहीं है. सो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में विद इन अ टाइम बीइंग आप लोग ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिलते हैं. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ आपको रिएक्टेंट मिले या फिर सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिले. लास्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इंटू रिएक्टेंट. रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है. ये पॉसिबिलिटी, इसीलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं रिवर्सिबल, उसका सेंस ही क्या है? मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकती है. दैट्स इट. क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये आप लोगों को पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है.